एक फकीर एक गांव में अक्सर जाया करता था और एक बच्चा उनके पीछे पीछे घुमा करता था। एक दिन उस फकीर ने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा कि जा बच्चा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया तेरे नाम की दीवानी होगी। वही बच्चा आगे चलकर स्वर सम्राट मोहम्मद रफी के नाम से पहचाना गया। कहते हैं कि रफी साहब इनको एक फकीर की दुआ थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्हें सदी के श्रेष्ठ गायकों में शामिल किया गया है और मोहम्मद रफी अपनी पवित्रता गानों और देशभक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। मोहम्मद रफी इन्होंने कई बहुप्रसिद्ध रोमांटिक गीत, कवाली, गजले और भजन भी गाए है। अपने गानों को फिल्म में काम करने वाले कलाकार के होठों तक लाने की मोहम्मद रफी इनमें क्षमता थी। 1950 से 1970 के बीच इन्होंने सुपरहिट गीत गाए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाई। सुरों के सम्राट और हजारों गीत को अपनी मधुर आवाज देने वाले मोहम्मद रफी, इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। पहले रफी साहब इनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता था, लेकिन बाद में जब रफी साहब छोटे थे तब उनका पूरा परिवार लाहौर से अमृतसर आ गया। उस समय इनके परिवार में कोई भी संगीत के बारे में नहीं जानता था। मोहम्मद रफी जब छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। इनके बड़े भाई मोहम्मद हामिद ने इनके संगीत के प्रति रुचि और प्रेम को देखकर मोहम्मद रफी इनको उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए और संगीत की शिक्षा लेने को कहा था। मोहम्मद रफी इन्होंने पहला गाना 13 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक प्रदर्शन में गाया था। उनके गायन ने श्याम सुंदर, जो कि उस समय के फेमस संगीतकार थे, वो काफी प्रभावित हुए और रफी साहब का गाना उनको बेहद पसंद आया। इसी महफिल में मोहम्मद रफी जी को गाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद रफी इन्होंने अपना पहला गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाया था। 1945 में मोहम्मद रफी इन्होंने हिंदी फिल्म गांव की गोरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफी इनको बॉलीवुड फिल्म पहले आप में गाना गाने का एक मौका दिया था। मोहम्मद रफी इन्होंने फिल्म अनमोल गढ़ी में तेरा खिलौना टूटा बालक को गाकर जल्द ही सफलता हासिल कर ली थी। मोहम्मद रफी, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन जैसे अन्य संगीतकारों के पसंदीदा पार्श्व गायक बन गए थे। मोहम्मद रफी और एसडी बर्मन इन्होंने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्मों के लिए भावपूर्ण गानों को प्रस्तुत किया। मोहम्मद रफी इन्होंने 1970 के दशक में मुख्य रूप से लाइव संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया करते थे और इनके लाइव शो को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इनके लाइव शो काफी हिट हुए थे। मोहम्मद रफी इन्होंने कई प्रसिद्ध गाने गाए, जिसमें फिल्म हीर रांझा का ये दुनिया ये महफिल, फिल्म पगला कहिका का तुम मुझे भूल ना पाओगे, फिल्म सावन का कान में झुमका, फिल्म महबूब की मेहंदी का चलो दिलदार चलो और फिल्म पाकिजा का इतना तो याद है मुझे, ऐसे बहुत से हजारों गाने गए। आजादी के समय मोहम्मद रफी इन्होंने भारत रहना पसंद किया। मोहम्मद रफी इन्होंने दो शादियां की, पहली शादी का एक बच्चा है और दूसरी शादी के 6 बच्चे हैं। गायकी के आवाज की मधुरता के लिए मोहम्मद रफी इनको शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है। अचानक आए हृदय विकार की वजह से 31 जुलाई 1980 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने मोहम्मद रफी इनको 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा 6 फिल्मफेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी मोहम्मद रफी, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।